आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार हो रही भूदस्ताव और बार बार मार्ग बंद होने के बाद झड़ी पानी कोलू के वैकल्पिक मार्ग को दुरुस्त करने की खबर हमारे द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिला अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा नगर पालिका को निर्देशित किया गया कि इस मार्ग की मरम्मत की जाए और उसके बाद नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा आज से मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि झाड़ी पानी कोलू खेत मोटर मार्ग पर स्थानीय लोग लगातार आवाजाही करते रहते हैं, लेकिन मार्ग की दुर्दशा के कारण यहाँ पर कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग बंद होने की स्थिति में इस मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। गुजरना काफी मुश्किल हो गया है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और सड़क जगह से टूटी हुई है, जिसको लेकर हमने प्रमुखता से ये खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद आज से इसकी मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बारे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान ने बताया कि उपजिला अधिकारी के निर्देश के बाद इसकी मरम्मत शुरू कर दी गई है। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा प्रकाशित खबर का पालिका द्वारा गंभीरता से लिया गया है। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, अभी बरसातों के कारण जो हमारा मुख्य मार्ग गलौदी के सामने टूटने के कारण जो हमारा वैकल्पिक मार्ग था झड़ी पानी डाला, इसमें हमारे द्वारा निरीक्षण कराया गया था और आपके पत्राचार द्वारा आपके सूचना के द्वारा हमने देखा इसमें काफ़ी जगहों पे टूट फूट हो रखी है, गड्ढे हो रखे हैं और काफ़ी जगह मार्ग क्षतिग्रस्त पाएगा। इसमें हमने मुख्य प्रशासक महोदय और एस डी महोदय के निर्देश के आरम्भ पर कार्य लगा दिया है। जो भी यहाँ पर मरम्मत का कार्य है आज से हमने सुचारू रूप से करवाना शुरू कर दिया है। देखिए, कई जगहों पर बरसात के कारण रोड टूटी पड़ी है, तो उसमें कम से कम आप मान लीजिए 10 से 15 दिन लग जाएगा जो थोड़ा उसकी मरम्मत में कार्य में पूर्ण करने में।